पुलिसों के द्वारा जो गोले बरसाए जा रहे हैं, जो आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, देखिए उससे कैसे इनको यहाँ पे हाथ इनके सूज गए हैं। जी कैसे चोट लगी आपको? ये जो प्लास्टिक की गोलियां चला रहे थे ना, छोटे छोटे वाले, ये प्लास्टिक की गोलियां, अभी हाथ नहीं जा रहा था जेब में, ये वाली गोली जो है ना ये डैमेज करती है, और ये वाली तो ओरिजिनल चला रहे हैं ना, ये ओरिजिनल गोली चलाए जा रहे हैं, ओरिजिनल तांबे की गोली, इसका पता नहीं कौन सी गन से निकल रही है, ये भी चली, ये बकायदा तांबे की गोली है, ये इसका वेट भी है, काफी वेट है, ये प्लास्टिक वाली भी अपने हाथ से पकड़ के देखो। अभी यहाँ शंभू बॉर्डर पर हमारे साथ कैप्सन हैं, उनके सर में आप देख सकते हैं कि चोट लगा हुआ है। जी कैप्सन, आपको कैसे ये चोटें लगी? कल गोले छड़े ही गैस दे गोले छड़े ने जेड़े उधर ही उत्थे टप्पा खा के ना रावड़ जी दियां बौलां आईयां वांगू ऐ बुड़कदा ही ओहो सिद्धा बार करदा ही ओहो रुकदा भी नहीं हैगा इक गायोले करदा ही ओह तां जमी सीधा आकर के आपको सर में लगी। कई नौजवान हॉस्पिटल गए आप? फिर 100 बंदा हो गया जी इंजर्ड। आप उस टाइम कहाँ पे थे? आप आगे थे एकदम? आगे सिरे थे जी, कल आगे थे असि आगे जी, कल 11 बजे असा सिरे भागे थे। आप फिर कल से लगातार यहीं पे हैं? हाँ जी हाँ, अस सवेरे भी जाके आए जी, अदा 7 बजे तक बच्चों अपील करी आई, 7 बजे तो बाद जे ना मने फिर उथे चक लांगे बार जरूरी। तो चोट लगने के बावजूद भी अब आगे आप डटे रहेंगे? डटे रहेंगे पूरी है। ये फेस पे आपने सर क्या लगा रखा है? ये कोलगेट लगा रखा है मैम, कोलगेट लगा। ये जो वहाँ से आंसू गैस की गोले तो फिर आते है ना, वो जहाँ से जलन होती है केमिकल से जलन तो होती है, ये लगाया तो जलन कम होती है, आंखों पे जो धुएं का असर है वो थोड़ा कम पड़ता है। एक गोली जहाँ पे इसके लगी है, एक जगह जहाँ पे लगी है, कहाँ लगी है? एक गोली जहाँ पे लगी है, एक जहाँ पे लगी है। देख सकते हैं कि जो ये गोली लगी आपने, दोनों गोलियाँ लगी हैं, प्लास्टिक की गोली लगी हुई है, प्लास्टिक के गोले जो बरसाए गए पुलिस के द्वारा वो उनको लगा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह, हाँ जी। इनके पैरों में भी गोली लगी है, ये देखिए ये गोले भी ये दिखा रहे हैं। ये है, इससे इनको जो इन बरसाया गया है, ये बरसाया गया है इन पर। कब ये आपको लगी है? कल लगी है, ये आज लगी है, अभी लगी है, अभी लगी है, ये अभी लगी है, ये कल लगी है, ये कल लगी है, ये आपको कल लगी है। आप कहाँ, आप दिखाएंगे फिर से, आप कहाँ मौजूद थे? वहीं थे कल आप? आगे यहाँ पे रहते हैं अभी, इसको ट्रॉली में छोड़ के बाद में फिर मैं जहाँ पे। गुरदेव सिंह मेरा नाम है, गुरदेव सिंह पिंड जिला अमृतसर। क्या कहना चाहेंगे आप गुरदेव सिंह, आपको जो पुलिस द्वारा जो गोले बरसाए जा रहे हैं, आज भी आपको लगा है, कल भी आपको लगा है, लेकिन आप फिर भी यहाँ डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार जो है ना, सरकार को ये बताना चाहते हैं, जितना मर्जी गोली बरसा लो, जो मर्जी कर लो, हम लोग जहाँ से भागने वाले नहीं, हमको हमारा जो भी हक है ना, जितना भी हम कानून का कहते उतना, जितना देर दोगे नहीं हमको, मार भी दें तब भी हम लोग जहाँ से नहीं गुजरे, जितना देर होती उतना देर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ये कौम जो है ना, ये बंद कटने वाले है, हम लोग की कौम है, जिसका बंद कटा गया वो ता नहीं डोले, ये गोली रबड़ की क्या परवाह करेगी, रबड़ की गोली की ये कौम नहीं परवाह करेगी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस किस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? जो कल का समा है, कल 3 to 4 बजे के करीब इन्हें असली गोली का भी इस्तेमाल किया, असली गोली का जो साडे किसानां ते लगियां, पट्टड होए अटकल दल कराया गया उन्होंने, बहुत जगह सरकार जिहड़ी आ घिनौनी हरकत कर रही है, जो किसान इन्हां तों डरन वाले नहीं आ, जितों तक आ वेखो एंबूलेंसां दी किवें आवाजां आ रही आ, जितों तक सरकार जा सकदी आ असीं परवाह नहीं उहदी करदे, सरकार नूं हर तरहां नजिठण नूं तैयार असीं, जो कट्टर आ वेख लो जा रहीआं गड्डियां, जो कट्टर सरकार आ इहदीआं जड़ां पुट के रख लांगे, अज वी सवेर तों साडे नौजवान अगले पासे जा के
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तो कल जो गोली दागे गए, गोले दागे गए और गोलियां भी चलाई गई, वो उसमें कितने लोग घायल हुए जो गोलियां चलाई गई खासतौर पर? 10-15 आदमी गोलियां से। 10-15 गोलियां से। कितनी गोलियां चलाई गई कल? उनको गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। बीच में प्लास्टिक भी चलती है, जो अथरू गैस भी चलता है, बीच बीच में वो गोली भी छोड़ते हैं। असली गोली चलाई गई है, जो किसी के पैर पे लगी है, किसी के मत्थे पे लगी है, किसी के बाजू में लगी है, बहुत गंभीर चोट आई है। तो सरकार जीरो लेवल पर गिर गई है। आगे उनका इलाज कहाँ चल रहा है सर? इलाज जो इधर नेड़े साथ में एम्बुलेंस से जा रहा है, राजपुरा में हॉस्पिटल है, उस जगह में इलाज उनका चल रहा है। तो आज सुबह का भी सरकार ने पहले से, रात को भी जो अथरू गैस है वो चलाई गई, रात को जो ऊपर से वो जहाज नंगते हैं किसानों को डराने के लिए। हम डरने वाले नहीं, सिखों हम डरने वाली की नहीं है। मुगलों के साथ भी डटकर मुकाबला किया था, अंग्रेजों को भी भजाया था। जो मोदी सरकार तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है, ये जो ये लगाए या किल कुल्ला जे तो साडे आगू सानू छुट्टी देना, ये तो साडा थोड़े चिर का काम है। सिर्फ आगुआ के बजे बैठे हैं, अहीं आ तंबू पाले आ, ये जो छोटी जी चीज आ, सरकार सानू जान दी है दिल्ली दे विच किदा तंबू पा गए, किदा अहीं निशाना नशा करा गया। सरकार अपने वादे तो मुकर गई आ, अहीं ओही वादे इन्हां नू याद कराउण आए आ भी साडा जिहड़ा साडा हक आ सानू दे दो, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ। ਇਨਕੇ ਪੈਰ ਮੇ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਇਹ ਚੋਟੇ ਆਪਕੋ ਲਗੀ? ਘਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਾ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਾ, ਨਾ ਡੰਡਾ ਡਾਂਗ ਡਾਂਗ ਇਤਨਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਆ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ। अभी आपने इसका इलाज करवाया? ये आपको कल लगा है? कल शाम लगा, 5 बजे। कल शाम 5 बजे लगा। आज फिर भी आप यहाँ पे डटे हुए हैं? हाँ, आज भी डटे रहे। तो आज आप वहाँ आगे गए थे बॉर्डर पे, लगातार जो है गोले बरसाए जा रहे हैं, आज भी आप वहीं थे? हाँ वहीं थे, आज वो गोला लाख पर लगा, थोड़ा सा लोहा निकलता था ना गोली में, तो इनको जो लोहा वहाँ से, जो गोले जो बरसाए गए हैं, जो प्लास्टिक के जो रबर बुलेट जो बरसाए जा रहे हैं, और कुछ किसानों का कहना है कि गोलियां भी चलाई जा रही है, उनसे इनको चोट लगी है। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन था, अब यहाँ रात हो चुकी है। किसानों के लिए आज का दिन भी संघर्ष भरा रहा। सुबह से किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट बरसाए गए, लेकिन किसानों का कहना है कि वो यहाँ डटे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। द मूक नायक के लिए सौम्या राज की रिपोर्ट। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।